अब हम खुदा को सजदा करें और अपने खुदावन के आगे घुटने टेकें। उसी ने हमें बनाया, वही हमारा खुदावन है। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ। आपके साथ अजीज मोमिनीन, आप सबों को खुदावन के पाक घर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम साल के दौरान में पांचवें इतवार की लतूरिया रस्मों में शामिल हैं और आज का लतूरिया कलाम हमें सिखाता है कि हमें हर हालत में, हर हालात में अपने खुदावन के साथ वफादार रहना है। खा हालात तंगी के हों, खा मुसीबत के हों, खा परेशानी के हों, इस बात पर ईमान रखें कि हमारा खुदावन हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाने के लिए ज़रूर आता है। मज़ीद हम तलावत और कलाम की रोशनी में सुनेंगे। आज की ये इबादत हम शुक्रगुजारी के लिए गुजरानेंगे याकूब खोखर और इनके घराने के लिए, साहिमा ताहिर और इनके घराने के लिए, जमील अख्तर वल्द खुशी मसीह के घराने के लिए, दानिश ईजल और इनके घराने के लिए, बाजी नगमा आसिफ के घराने के लिए, कि मेहरबान खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे। नीज दुआ करेंगे आज रहमत के घराने के लिए और इनकी सेहतयाबी के लिए भी। आज ख़ास दुआ की जाएगी समन सरदार के लिए जिनकी सालगिरह कल है, लेकिन वो आज खुदावन के हजूर अपने शुक्रगुजारी पेश करते हैं। तमाम बीमारों के लिए भी दुआ की जाएगी, ख़ास तौर पे अलिजबत बीबी, साबिर मसीह, अभिया, अबीमाइल और हिजकियाल के लिए कि खुदावन ने शिफायाबी अता करे। तमाम रहमीन के लिए भी दुआ की जाएगी, ख़ास तौर पर शाहीन बीबी, आसिफ सुल्तान, जॉन सादिक, सुल्तान बरकत, रोज़ी सुल्तान, मोहसिन सुल्तान, महबूब तबस्सम, सायरा महबूब, जावेद फ़ेरोज़ भट्टी, फ़ेरोज़ भट्टी, फिल्मीना फ़ेरोज़, के खुदावंद इन्हें अब्दी आराम अता करे। आए इस इबादत के आगाज़ में अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इन पाक रसूमात में शरीक हो सकें। सब मिल कर कहें, मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों ने इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबों से भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। क्वायर के साथ मिलके ग्लोरिया गाएंगे। बुलंदियों पर खुदा के अज़मत, ज़मीन पर सितारे हैं हर सुबह।
खुदावंद हमारे खुदा अपनी कलीसिया के फर्जंदों पर तवज्जा कर और लगातार शफकत करके उनकी हिफाजत कर। तेरे आसमानी फजल की मदद पर हमारा पूरा भरोसा है, अनायत कर के हम कभी तेरी हमायत से महरूम ना रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें। आज हम साल के दौरान पांचवें एतवार की इबादत में शामिल हुए हैं। आज की तलावतों का मौजू खुदा पर ईमान रखने से शिफा मिलती है। आज की पहली तलावत में हम सुनते हैं कि अय्यूब नबी की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी। बात तवील बीमारी के बायस वो मायूसी में कहता है कि क्या जमीन पर इंसान की जिंदगी जंगी खिदमत नहीं। दुख की वजह से वो कहता है कि दिन कब चढ़ेगा और फिर रात कब आएगी, कि मेरी जिंदगी हवा की मानित है। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, मुझ पर अफसोस अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि खुशी से सुनाने में अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से सुनाऊं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है, बल्कि जब भी अंजील सुनाऊं तो मुफ्त सुनाऊं, ताकि इस इख्तियार का बुरा इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के वसीला से मुझे हासिल है। आज़ाद होने के बावजूद मैं सबका गुलाम हूं, ताकि अंजील के ज़रिए सबको हासिल कर सकूं। आज की तीसरी तलावत में यसू मसीह ने पतरस की सांस को शफा दी, उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और उसी दम उसकी तब उतर गई। यसू मसीह ने उसी दिन सबों को शफा दी जो कि बीमार और असीब ज़्यादा थे, और लोग उन्हें यसू के पास लाते थे और वो ईमान रखते थे कि यसू मसीह शफा दे सकता है। आमीन। मैं लेटता हूं तो बेचैनी से कहता हूं कि दिन कब चढ़ेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत अय्यूब नबी की किताब उसका 7:1-4 और 6-7 आयात। इस वक्त अय्यूब कहने लगा, क्या जमीन पर इंसान की जिंदगी जंगी खिदमत नहीं, क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की माने नहीं। गुलाम की तरह जो साए का मुश्ताक होता है, या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतजर होता है। ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूं तो कहता हूं कि दिन कब आएगा, जब मैं उठता हूं तो कहता हूं कि रात कब आएगी, और मैं पो फटने तक बेकरारी से लबरेज हूं। मेरे दिन जलाहे की धुड़की से ज्यादा जल्दी चलते हैं, मैं उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख के मेरी जिंदगी हवा की मानित है, मेरी आंखें फिर खुशी ना देखेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाम जपा मैं तेरा,
अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस है। आज की दूसरी तलावत खुदाम के जिंदा कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम उसका 9:16-19 और 22-23 आयात मुकद्दसा। ए भाइयों, अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए लाजमी अमर है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक खुद मुख्तारी सौंपी गई है, बस तो मेरा क्या अजर है ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का बद इस्तेमाल ना कर सकूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है, ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं, सब के लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर से बास को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ अंजील के वास्ते करता हूं, ताकि मैं उसमें शरीक हूं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सब खड़े होंगे, नारा हम लिखे हैल्लेलुया तारीफ करेंगे। खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस मरकज आए खुदा के लिए तमजीद हो।
इसके पहले बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यसु इबादत खाने से निकलकर याकूब और यहोन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए, और शमाउन की सास तप से पड़ी थी और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब जदों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थी, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। और अलील सबा को फटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं, और उसने उनसे कहा कि आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह माफ किए जाएं। तशरीफ रखें। अजीज मोमिनीन, आज हम साल के दौरान में पांचवें इतवार के लतूरिया रस्मों में शिरकत कर रहे हैं, और हम खुदावन यसु मसीह की एलानिया जिंदगी के आगाज के बाद अब खुदावन यसु मसीह के उस जिंदगी की गहराई को जानते हैं कि कैसे हमारा खुदावन यसु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए बार बार लोगों तक रसाई हासिल कर रहा है। मुझे आज मुकद्दस अगस्तियन की वो बात याद आती है जब फरमाते हैं कि हमारा खुदावंद वो खुदावंद है जो हमारे तलाश करने से पहले हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम इंसान बाद में सोचते हैं पर खुदावंद बचाने के लिए पहले हमारे सामने आ जाता है, और आज हम उसी सब खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानियों को देखते हैं। और अगर आज की तलावतों का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये तलावतें बड़े वाज़े तौर पे बताती हैं कि खुदावंद आज अय्यूब के उन सारे सवालों का जवाब अमली तौर पर देते नजर आते हैं। हमने कलामे मुकद्दस के अंदर पढ़ा है कि कैसे आज अय्यूब ये खुदावंद से अपने खुदा से गिले शिकवे करता नजर आता है, और जिंदगी जिस इंसान ने भी तकलीफ में काटी हो वो गिले शिकवे खुदा से लाजमी करता है। ये एक आम इंसानी नजरिया है, इंसानी कमजोरी है कि इंसान की जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले जो शख्सियत उसे याद आती है वो और कोई नहीं बल्कि खुदा है। खुशियां वेले असी भावे खुदा नूं भुल जाइए, लेकिन गम या तकलीफ आवे तो पहली नजर साड़ी खुदा ते जांदी है कि रब्बा तू मैनूं कड़ी मुसीबत च पा छड़िया। और इंसान ये अपने इस कमजोरी को महसूस भी उसी वक्त करता है जब इसके ऊपर कोई आफत या मुसीबत आती है। अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप देखें, जब तक खुशहाल चलते रहेंगे तब तक हमें खुदा का याद आता है। जरा सी मुश्किल आई, बीमारी आई, तंगी या तकलीफ आई, फौरी तौर पे हमें खुदा याद आने लगता है। लेकिन कलामे मुकद्दस के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने हर हाल में चुनाव किया तो सिर्फ खुदा का चुनाव किया है। हालात कुछ भी हो वो खुदा की आवाज पर चलते रहे, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, और ऐसे लोगों का नाम आज भी किताब हयात में जिंदा है। आज उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत हमारे सामने रखी गई है, और ये शख्सियत है अय्यूब नबी। अय्यूब साबिर के नाम से ये शख्स मशहूर है। कहा जाता है कि कलाम बयान करता है ये शख्स बहुत अमीर कबीर था, इसके पास हर एक चीज थी, हर एक चीज बहुत आज से थी, इसकी जरूरत से ज्यादा थी, इसके पास औलाद भी थी, इसके पास माल मवेशी भी थे, इसका अपना खानदान था, ये नहायत खुशहाल जिंदगी गुजारता था। और शैतान कहने लगा
कि ऐ खुदा तेरा ये बंदा जो हर वक्त तेरे गुण गाता है ये इसलिए इस तरह कर रहा है क्योंकि ये खुशहाल है। मैं इसको आजमाऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे तेरे साथ वफादारी पे चलता है। खुदा ने कहा ये मेरा बंदा है, तू इसको जैसे मर्जी आजमा ले, इसकी जान मेरे हाथ में है, बाकी तू जो कर सकता है कर। और शैतान ने ऐसा ही किया, यहां तक इसको अजियत दी कि इसकी औलाद जो है उसको हलाक किया, इसके दोस्तों अहबाब इसे छोड़ के चले गए, इसकी अपनी बीवी इसे ताने और मुलामत किया करती थी, और ये अपनी जिंदगी के अंदर नहायत तकलीफ और गमगीनी के दिन गुजार रहा था। जिस्म की ये हालत थी कि जिस्म के ऊपर जो जख्म थे वो गल चुके थे, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे और आके उसके जानवर जो है वो नासूर चाटा करते थे। दोस्त आए आके उसको कहने लगे कि तू किस खुदा के पीछे चलता है, जिस खुदा ने तेरी ये हालत कर दी है तो उस खुदा के पीछे चल रहा है। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खराब करने की कोशिश की कि तू खुदा का पीछा छोड़ और कोई और रास्ता इख्तियार कर। आज अय्यूब की जो कहानी सुनी है और जो कलाम मुकद्दस के सामने अल्फाज हमारे सामने रखे गए हैं उसमें अय्यूब खुदा के साथ में हम कलाम होता नजर आता है और फरमा रहा है कि अय्यूब कहने लगा क्या जमीन पर इंसान की जिंदगी जंगी खिदमत नहीं, क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानित नहीं, गुलाम की तरह नहीं। यानी वो अपनी जिंदगी को अब उस डार्क साइड को देखता है कि जो इंसान कभी भी कोई इंसान भी नहीं चाहता कि हम उसका तजर्बा करें, और ये अय्यूब उसका तजर्बा कर रहा है। और तजर्बा भी कोई मामूली नहीं बल्कि वो तकलीफें सह रहा है जो इंसान सोच के ही अपने अंदर शायद नढाल हो जाए, जिसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ जाए उसकी क्या हालत होगी, खाने पीने से जो बंदा कासिर हो जाए उसकी क्या हालत होगी। अगर आम जिंदगी में देखा जाए असी अपने खानदाना दे विच कदी अपने बजुर्गों नूं सांभण दा कोई मौका मिल जाए तो असी बड़े औखे हो जाते हैं कि जनाब हुण असी किवें अपने बजुर्गों नूं सांभीए, ते हर टाइम जिहड़ा बीमार रहिंदा है हम लोग कोशिश करते हैं जी बार बार काहिन को बुलाया जाए जी आके उन्हां नूं बरकत दे जाए, और वो बरकत शिफा के लिए नहीं है क्योंकि जो साक्रामेंट दिलवाना चाहते हैं हमारा नजरिया बदल चुका है। ये साक्रामेंट शिफा का साक्रामेंट है, बीमारों का साक्रामेंट इसे कहा जाता है, लेकिन हम लोग उसका नजरिया कुछ और लेते हैं कि जी आके साक्रामेंट देख जाओ ताकि उन्होंने इस दुनिया तो रिहाई मिल जाए। क्या खुदावंद इंसान को मौत से गुजार के रिहाई देना चाहता था? हरगिज नहीं। उसने हमें बचाने के लिए खुद मौत का इंतखाब किया है, और आज जब ये शख्स जो खुदावन के सामने अपनी मुश्किलात और तकलीफें रखता है वो खुदावन के साथ जो है वो अपने दिल की बातें कर रहा है कि मैं मुश्किल में हूं, मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और खुदा अभी तक चुप है क्योंकि वो चाहता है कि शैतान जिस तरह भी मेरे इस बंदे को आजमाएगा, खुदा जानता था कि ये वफादार निकलेगा। और इस जो अय्यूब की किताब अगर इसको बगौर मुतालिया करें तो एंड पे इस किताब को जब पढ़ा जाता है तो वहां पे इस शख्स को खुदा ने हर एक चीज को डबल करके दिया है क्योंकि ये खुदा का वफादार रहा है, और वफादारी ही में बरकत है। जो खुदा का वफादार है, जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलता है, खा वो कोई भी हो, खुदा उसको बरकत देता है। जैसे अय्यूब की मिसाल हमारे सामने, मुश्किलात काट ली हैं, तकलीफें सह ली हैं, खुदा के साथ में गिले शिकवे कर लिए हैं, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। अगर यही तकलीफें हम पे आ जाए तो हमारा क्या रवैया होता है, हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी मिसालें लेते हैं। अगर बिलफर्ज हम लोगों में से कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग कहेंगे जी इस बच्चे के उत्ते किसी ने कुछ कर छड़े है। पहला नजरिया ये होगा जी ये कुछ कर छड़े है, उन्होंने साढ़े तो कोई मसला सी तो उन्होंने कहा पता नहीं उन्हें कौन है, लेकिन हमने इल्जाम लगा देना जी उन्होंने कर छड़े है, इस बच्चे उत्ते किसी की नजर पै गई है, और फौरी तौर पर और रस्तों का इंतखाब करेंगे जी।
कभी किसी के दर पे जाएंगे, कभी किसी के दर पे जाएंगे और आखिरकार किसी दर के नहीं रहते। जबकि हमें न आसमान पर और जमीन के नीचे एक ही नाम बख्शा गया है जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, और वो नाम कौन सा है? यीशु मसीह का वो नाम है। जो कोई उसके सामने आ जाता है, हालात मुश्किलात जो भी हो वो खुद से दूर करता है। और आज अय्यूब के सवालों का जवाब खुदावन यीशु मसीह अपनी अमली जिंदगी से देते नजर आते हैं। हमने आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील से सुनी है। मुकद्दस मरकस जब अंजील लिखता है तो ये वाहिद है, बाकी अंजील नवीस जो है वो कोई तकवीन से शुरू कर रहा है और कोई जो है खुदावन यीशु मसीह के नसब नामे से शुरू कर रहा है। ये वाहिद है जो खुदावन यीशु मसीह की एलानिया जिंदगी से शुरू करता है। अगर हमने जब से मुकद्दस मरकस की अंजील सुन रहे हैं, यानी दो इतवारों कंटिन्यू सुनते रहे, तीसरा इतवार है। पहले इतवार में हमने देखा कि कैसे खुदावन यीशु मसीह पैगाम देते हैं कि तौबा करो और इंजील की मुनादी करो क्योंकि बादशाही करीब है। उसके बाद में इतवार जो आया, यानी गुज़श्ता इतवार, उसमें हमने सुना है कि खुदावन यीशु मसीह अपने लिए चार शागिर्दों को चुनते हैं और उन चार शागिर्दों को खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जाल छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, और आफरीन उन शागिर्दों पे जिन्होंने उसकी आवाज सुनी और अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। आज खुदावन यीशु मसीह उन शागिर्दों के साथ जब इबादत खाने के अंदर शिफा दे चुके हैं और शिफा देने के बाद अब खुदावन उनके साथ जा रहे हैं। यहूदियों के मुताबिक उनका सबत की इबादत जो है, इबादत के फौरन बाद वो लोग खाना खाया करते थे। यहूदियों के अकॉर्डिंग उनका सुबह 6 बजे दिन का आगाज होता है और ये गालिबन 12 बजे के लगभग है जब खुदावन यीशु मसीह 6 घंटे के करीब वहां से निकल रहे हैं। इबादत खाने के अंदर गुज़श्ता इतवार हमने सुना था कि खुदावन ने क्या करिश्मा दिखाया है। खुदावन जाके खड़े हुए हैं और वहां पे एक शख्स है जिसके अंदर बदरू है, वो खुदावन को देख के पहचान गई और कहने लगी कि तुझे हमसे क्या काम है, क्या तू हमें हलाक करने आया है? और बाइख्तियार तालीम देने वाला उसे कहता है कि चुप रह, और वहीं पे उसको चुप करा के कहता है इसमें से निकल जा। जहां कहीं कोई तकलीफ कोई मुसीबत होती है, खुदावन को याद करें और वो वहीं पे हमारी तकलीफों का हल ढूंढता है। आज इबादत खाने में सबत की इबादत करा ली गई है, खुदावन ने हम कलाम हो गया है, अपने लोगों से तालीम दे दी है, उसकी कंटिन्यूएशन देखते हैं कि क्या है। कलाम में लिखा है कि यीशु इबादत खाने से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए और वहां पर गए हैं। क्या देखते हैं कि शमौन, जिसको बाद में पतरस कहा गया, जिसको बाद में कैफा कहा गया, अब ये शमौन के घर एंटर हुए और वहां पे उसकी सास जो है वो तप से पड़ी है। उनके अकॉर्डिंग भी यही सब कुछ था कि ये जो बीमारी आई है ये इंसान के गुनाह की वजह से है, और वो यहूदी लोग समझते थे कि इसको किसी ना किसी कोई ना कोई टूना इस्तेमाल करके तो हल किया जा सकता है, वो इसके लिए कुछ अजीबोगरीब किस्म के तरीके या उपाय किया करते थे कि हम इसका कोई ना कोई हल निकालें। लेकिन यीशु के पास किसी किस्म की कोई मेजिशनल पावर नहीं है, उसके पास अपनी इलाही कुदरत है। और कलाम में लिखा है, और उन्होंने फौरन उसे खबर दी, उसने पास जाके उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया है। यीशु मसीह इंतजार नहीं करता कि मेरे लिए कोई रेड कार्पेट बिछेगा तो मैं जाके किसी के लिए शिफा की दुआ करूंगा। यीशु को जहां कहीं भी जिसकी भी मदद करनी होती थी फौरी तौर पे किया करता था। यीशु मसीह ने अपने लिए ये बड़े बड़े पिंडाल नहीं सजाए होते थे कि वहां पे जाके इबादत करेंगे तो शिफा होगी। जहां पे यीशु को बुलाते थे यीशु जाते थे और जाके शिफा दे के आते थे। ये उसकी कुदरत थी। वो जानता था कि मुझे बाप ने भेजा ही इसलिए है, और वो उस मिशन पूरा करने के लिए आज जब शमौन के घर में गया है, कलाम में लिखा है कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम तप उतर गई। जो उसको बुखार या जो भी मुआलजा था वो फौरी तौर पे हल हो गया
और खुदावन के छू लेने से शिफा मिल जाती है। कलामे मुकद्दस इस बात की और जगह पर भी बहुत सारी मिसालें देता है। जैसे कलामे मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो खातून जिसको 12 बरस से खून जारी था, यीशु मसीह जा रहे थे और बड़ा हजूम था, वो औरत यीशु के बारे में सुनती है और जाके उसको छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी पोशाक को हाथ लगाती है, अपने अंदर तंदुरुस्ती महसूस करती है, यीशु की पोशाक को छू लिया और शिफा मिल गई। ये हमारे खुदावन के करिश्मे और कमालात हैं। फिर लिखा है यहीं पे काम रुक नहीं गया। कलाम में लिखा है कि शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब जदों को उसके पास लाए। आजकल की खिदमत के अंदर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम रखा है जी कि इस टाइम के ऊपर आएंगे तो काम हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और दुआ और शिफा के लिए मैं समझता हूं कोई वक्त नहीं है। जब ईमान से मांगो शिफा मिल जाती है। यीशु ने जब भी किसी को शिफा दी है उसने यही कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। और यीशु के पास वो आए हैं। कलाम कहता है कि सब बीमारों और आसेब जदों को उसके पास लाए हैं और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तिला थे। अब देखना यह है कि शिफा मिली कैसे है। शिफा उस वक्त मिलती है जब आप शिफा लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अगर आपके अंदर खुदावन के पास जाने की ख्वाहिश नहीं है तो फिर आप उससे शिफा भी नहीं पा सकते। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि अगर खुदा ने करना है तो ठीक कर देगा। आप लोग अपनी जिंदगी में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं वो ज्यादा माने रखती है। जिस किसी ने भी शिफा पानी है वो यीशु के दर पे आए, जैसे यहां पे लिखा है, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया, वो उसके पास आए हैं। पास आए हैं तो शिफा मिली है, पास नहीं आएंगे तो शिफा और बरकत कैसे मिल सकती है। आप लोगों की जाती स्ट्रगल जो है ये भी कुछ अहमियत रखती है। हम लोग खुद से कोशिश करते नहीं हैं और ये कह देते हैं कि सब कुछ हमें इस बैठे बिठाए मिल जाए। अगर आप लोगों ने अपनी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करना है तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो रूहानी जरूरियात को पूरा करने के लिए स्ट्रगल क्यों नहीं कर पाते। क्या आपकी रूहानी जिंदगी इसकी जरूरत आपको नहीं है? इसकी जरूरत मैं समझता हूं आज के दौर में ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया जो है सरासर दुनियावी होकर रह चुकी है। हम लोग दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और रूहानी जिंदगी उतनी ही कमजोर होती जा रही है। और इसका सबब क्या है? तफरके, मुश्किलात, परेशानियां, अजियतें, ये हम अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाते हैं। जितनी चीजों के साथ अटैचमेंट होगी उतनी ज्यादा तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इंसान कहता जी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। पैसा कमाने के लिए फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं ये करूंगा, एक काम करने तो पूरी नहीं पैंडी, फिर दूसरा काम भी शुरू कर लेंगे, फिर तीसरा शुरू कर लेंगे, फिर भी पूरी नहीं पड़ी तो फिर कोई नाजायज तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अटैचमेंट इख्तियार करते जाते हैं। और यीशु की जिंदगी आज हमारे लिए मिसाल है। उसने अपनी जिंदगी के अंदर अटैचमेंट्स नहीं रखी है। यहाँ पे कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने एक जगह पे मुनादी कर ली है, उसने शिफा के काम कर लिए हैं, तो अब वो कहने लगा है, कलाम में लिखा है, आओ हम कहीं और आसपास के शहरों में चलें ताकि वहां भी मुनादी करें, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं कि वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जाकर मुनादी करता रहा है। वो एक जगह के ऊपर दिल नहीं लगा बैठा। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह के ऊपर दिल लगा लेते हैं और उसका नतीजा क्या है? परेशानियां, अजियतें, मुश्किलात, तंगी, और ये सारी की सारी चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर ले जाती हैं। जबकि ये सारी चीजें हमें खुदा के कुर्बत की तरफ लेके जानी चाहिए। कुर्बत की तरफ क्यों नहीं लेके जाती? क्योंकि हमारे तरीके कार गलत है। अगर तरीके ठीक होंगे तो फिर हम खुदावन की कुर्बत हासिल कर लेंगे, जैसे रसूलों ने किया।
खुदावन की आवाज सुनी है और सब कुछ वहीं पे छोड़ा है। कोई दूसरा सवाल नहीं किया कि तू कहां लेके जाता है या क्यों हम तेरे पीछे आए। उन्होंने सुना है और फौरी तौर पे यीशु के पीछे हो लिए हैं। हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर शायद ये बात भुला बैठे हैं कि हम इस जमीन पर तो है तो इस जमीन के नहीं है। क्या कभी सोचा है कि हम इस जमीन के ऊपर आरजी मुद्दत के लिए हैं? हमेशा की जिंदगी तो वहां पे है जहां पे हमारा यीशु है, लेकिन हम लोग इस जमीन के ऊपर अपने ये जिंदगी की खुशहाली ढूंढ रहे हैं और नतीजा क्या है? खुशहाली की जगह परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसे आज हमने सुना है कि अय्यूब अपनी जिंदगी में परेशान है, वो आजमाइशों में गिरा है, लेकिन उसने खुदा के ऊपर से निगाह नहीं हटाई है। हम लोग क्या करते हैं? फौरी तौर पे ईमान छोड़ देते हैं। चर्च के अंदर कुछ हो गया तो फौरी तौर पे जी नहीं ठीक है जी असी मिशन बदल लेने। मिशन खुदावन का है, हम लोग कौन होते हैं उसको बदलने वाले। हमें बुलाया गया है ताकि हम अपने खुदावन की पाक मर्जी को पूरा करें, उसके अहकाम पर चलें, वो जो हमसे तकाजा करता है हम लोग वो सब कुछ करें, लेकिन हम लोग उसकी बातों को भुला देते हैं। अजीज मोमिनीन, आज पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि हमें खुदावन की मुनादी करनी कैसे है, क्योंकि हम सब बुलाए गए हैं। सबके सब जितने बपतिस्मा याफ्ता है ये बपतिस्मा की रूह से मिशनरी हैं, और एक मिशनरी का किरदार क्या है कि वो खुदावन के कलाम की मुनादी करें। और कलाम की मुनादी का हरगिज ये मकसद या मतलब नहीं है कि हम लोग अपने साथ बाइबल उठाएं और गली गली चलने लगे, बल्कि हमारी मुनादी हमारे अमाल जाहिर करते हैं कि मेरे अमाल क्या है। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब लोग देख के पहचान लेते थे और गवाही दिया करते थे कि ये लोग मसीही हैं, क्योंकि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इन लोगों के अंदर मकारी नहीं है, ये लोग हमेशा सच बोलते हैं, इनके अंदर लालच नहीं है। लेकिन आज के दौर में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से खुदावन की वो जो अहकामात की कुदरत थी जो हम माना करते थे वो खत्म होती जा रही है। इसलिए आज हमें खुदावन की जिंदगी को अपनी जिंदगी का महवर बनाना है। मैं जानता हूं कि ये शायद हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन होता तो खुदावन कभी भी ना कहते। यीशु ने फरमाया है कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हम लोगों को कामलियत की तरफ लेके जाना चाहता है, इसलिए आज हम अपने यीशु को अपनी जिंदगी का महवर बनाएंगे। वो हमें शिफा देता है क्योंकि हम उसके लोग हैं। वो हमें बरकत देता है क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीदा है। वो हमें बचाना चाहता है, वो फिर से बहाल करना चाहता है। सवाल ये है क्या हम उसकी ये शिफा बरकत हासिल करना चाहते हैं? कौन कौन है जो उसकी ये शिफा बरकत आज हासिल करना चाहता है? जरा ऊंचे हाथ खड़ा। जब अपने बाप के घर में आए तो फिर इस तरह कुट कुट के नहीं बैठा। ये आपके बाप का घर है, ये हमारे खुदावन का घर है। यहाँ पे जब आते हैं तो खुशी से इकरार करें कि हम अपने बाप के पास हैं। उसने हमें ये हक दिया है कि उसको कह सके आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आज उसी बाप के पास आते हैं जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और ये इकलौता बेटा हम सबों के लिए शिफा लिए फिरता है। आज उसकी शिफा को ढूंढने के लिए उसके दर पे आ जाएं। अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को जगह दीजिए, यकीनन आप बरकत भी पाएंगे, बीमारियों मुश्किलात परेशानी और तंगियों से भी निजात पाएंगे, और आप अपनी जिंदगी के अंदर उस आराम को महसूस करेंगे जिसकी तलाश हर एक इंसान करता है। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देके अपनी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से रिहाई पाने वाले बन सकें। आमीन। आज सब मिलके अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह का जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है,
और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैदा आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर के पाप के घर में बैठा है, वहाँ से दो बोलो की दादा के लिए आता है, मैं मार बरसा हूँ, रूह कुदस पर पाप है तो कलीसिया, रसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिसम के जीवन और हमेशा के जीवन पर, आमीन। आइए अपनी अर्ज़ और मिन्नतें खुदावंद के हजूर पेश करें। हम खास दुआ करते हैं आज पापा आजम के लिए, बिशप साहिबान के लिए, काहिनाना बरादरी के लिए, सिस्टर साहिबात के लिए, मुबशरान अंजील के लिए, कि मेहरबान खुदावन सबको कसर से बरकत अता फरमाए, हिकमत राई से मामूर करे, ताकि जिस तरह खुदावन ने अपनी ज़िंदगी में मुनादी करके बहुत सी रूहों को बचाया, कि हम भी खुदावन के लोगों को बचाने का सबब बने। इस मकसद के लिए अज़ीज़ो दुआ करें। दुआ करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, जो अपने शुक्रगुजार खुदावन के हजूर लाते हैं, ख़ास तौर पर याकूब खोखर, साइमा ताहिर, जमील अख्तर, दानिश इज़ल, बाजी नगमा रहमत और इनका घराना, समन सरदार और पतरस मसीह के खुदावन इन तमाम की शुक्रगुजारियाँ कबूल करें और इनके ईमान के वसीला से इन्हें बरकत अता करें। इस मकसद के लिए अज़ीज़ो दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, कि मेहरबान खुदावंद आज अपने लोगों को शिफायाबी अता करें। अलिस्बत बीबी, साबिर मसीह, अभिया, अभिमाइल और हिजकियाल पर अपने करम की निगाह करें, ताकि खुदावंद से शिफा पा के उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। इस मकसद के लिए अज़ीज़ो दुआ करें। हम दुआ करें अमन और सलामती के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में हसरत, नफरत, दहशतगर्दी, जुल्म, कत्लो गारत और अरूज पर है। खुदा यसु अलमसीह अमन सुलह सलामती का शहजादा है। खुदावन से इल्तजा करें कि खुदा यसु हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन और सलामती बहाल करें। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आज के कलाम के लिए कि हमारे अंदर से गुना असर रखे और हम सच्चे दिल से उस पर अमल करें। अज़ीज़ो दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बेरोज़गारों के लिए और जो मुश्किल हालात में मुबतला लोग हैं उनके लिए, कि हमारा प्यारा खुदावन जो कादिर मुतलिक है उन्हें अच्छे रोज़गार फराहम करें, ताकि वो अपने ख़ानदानों की कफालत कर सकें। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो लाइलाज मर्ज में मुबतला है, यीशु तौर पे अजीम है, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर सबको शफा अता फरमाए। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम फाजा साहिबान के लिए जो अपनी हिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा में उन्हें अपने पाक पनाह में रखे। अज़ीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावंद शाहीन बीबी, आसिफ सुल्तान, जॉन सादिक सुल्तान, बरकत रोज़ी सुल्तान, मोहसिन सुल्तान, महबूब तबस्सुम, सायरा महबूब, जावेद फ़ेरोज़ भट्टी, फ़ेरोज़ भट्टी, फिलमीना फ़ेरोज़ के खुदावंद इनको अब्दी आराम अता करें और इनके तमाम तरबशी कमज़ोरियों को मुआफ़ करें। इस मकसद के लिए अज़ीज़ो दुआ करें। अय खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तकलाल के साथ मांगती है, तूने सुन कबूल फरमा और इनका असर हम तक पहुँचा मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। तशरीफ रखें। शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार है
صدر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا ہم اس قربانی کو آپ کے حضور سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو نے ہم کمزوروں کے سہارے کے لیے خاص یہ چیزیں یعنی یہ روٹی اور میں مہیا کی ہیں، عنایت کر کے یہ ہماری دائمی زندگی کے بھی پاک وسائل ثابت ہوں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کے ہر وقت ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اس جہان میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر پہم یہ کہتے ہوئے تیرے گن گاتے ہیں۔ قدوس 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 خدا رشتوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، آنے والا اور خوشحشانہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، آنے والا اور خوشحشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی ہی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اسے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مائے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کر۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تیرے خون پس۔ اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپو فرانسس، ہمارے بشپ جوزف فرشت اور اپنے سب کاہنوں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر، ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے، ہم سب پر رحم کرتا کہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پاتے پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خدا نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روزی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضہ بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرضے بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے
ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اسے وہ سلامت رہے تہار بخش تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں پر معاف کرتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں پر معاف کرتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں پر معاف کرتا ہے، ہمیں سلامتی عطا کر۔ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے آ، لیکن صرف تو کہہ دے تو میں روح سے پاک ہو جاؤں۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ja
Yeah.